अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमजान स्पेशल ब्रेड के दही वड़े बना रहे हैं। आप इसे दही सैंडविच भी कह सकते हैं या बिना फ्राई किए हुए दही वड़े कह सकते हैं, जो बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। हम इसकी चटनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ लिए है 1 कप कोथमीर, 3 हरी मिर्चें, 3 मीडियम साइज की लहसुन की कली ली है और आधा नींबू का जूस ले लेंगे हम। अब एक चटनी ग्राइंडर के अंदर हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून ठंडा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड करेंगे और इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने 8 ब्रेड की स्लाइसेस ले लिए हैं और इसकी साइड्स कट कर लेंगे। इस पे हम बटर और चटनी अप्लाई कर लेंगे। सारे ब्रेड पे हमने बटर और चटनी लगा लिए हैं। अब एक ब्रेड को दूसरे ब्रेड के ऊपर सैंडविच की तरह रख लेंगे। आप इसे इसी तरह डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या इसके 4 पीसेस कट करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने 300 ग्राम्स दही लिए हैं और उसमें हम 3 टेबलस्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे। आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। दही हम साइड में रख देंगे और हम यहाँ एक डिश लेंगे जिसमें हमें दही सैंडविच सेट करना है। बेस में सबसे पहले हमने जो मीठी दही बनाए हैं वो हम डालेंगे और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ी सी हरी चटनी ऐड करेंगे और उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। जो चटनी ब्रेड्स हमने बनाए थे उसे हम इसमें अरेंज कर लेंगे। की बची हुई सारी दही हम इस पे पोर कर लेंगे और इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अगर दही बहुत ज्यादा गाढ़ी है तो आप उसमें 1-2 टेबलस्पून ठंडा पानी ऐड करके उसे हल्की सी पतली कर सकते हैं। दही बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्वीट इमली चटनी डालेंगे। इसकी रेसिपी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे। अब इस पे हम स्प्रिंकल कर लेंगे ब्राउन मसाला। इसकी भी रेसिपी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये बहुत ही डिलीशियस मसाला है जो सारी चाट आइटम्स में आप यूज़ कर सकते हो। ये आप ज़रूर बना के स्टोर करके रखिए, रमज़ान के लिए ये बहुत काम आएगा। इन केस आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक स्प्रिंकल कर देना। अब हम इसमें थोड़ी सेव स्प्रिंकल कर लेंगे। ये वो सेव है जो हम सेव पूरी में यूज़ करते हैं। चॉप की हुई कोथमीर भी थोड़ी स्प्रिंकल कर लेंगे। दही सैंडविच बिल्कुल रेडी है। आप इसे कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर सर्व करें।